देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज। अपराध के खिलाफ जंग। तेज रफ्तार बाइक साइकिल सवार से टकरा गई। दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों युवक बनारस से ग्वालियर काम के लिए जा रहे थे। आपको बता दें, मामला शहर कोतवाली के अंतर्गत के नदी पुल का है, जहां बनारस से चलकर ग्वालियर जा रहे थे। बाइक सवार युवक सामने से आ रही साइकिल से टकरा गए, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क से निकल रहे राहगीरों ने दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक युवक की मौत हो गई, अन्य दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहयोगी युवक ने बताया कि दोनों युवक बनारस से बाइक द्वारा ग्वालियर जा रहे थे। बांदा से निकलते समय यह हादसा हो गया। यूपी क्राइम न्यूज के लिए बांदा से विष्णु सिंह की रिपोर्ट। रंजीत कुमार पटेल। अच्छा, रंजीत कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे, क्या घटना हो गई, कैसे जा? ग्वालियर जा रहे थे हम लोग बाइक से। अच्छा, ब्रिज के स्टूडेंट हो गए। तो ग्वालियर में क्या करते हो आप लोग? पावरगढ़ की नौकरी करते हैं, प्राइवेट। अच्छा, तो कहाँ से जा रहे थे ये लोग? बाइक से। बाइक से कितने लोग थे बाइक में? ये लोग दो लोग थे। ठीक, अभी परिवार को सूचना दे दी आप लोगों ने? अभी इनके घर का पता हमको मालूम नहीं है, हमारे गांव बहुत दूरी थी। दूर के हैं, व्यक्ति मृत अवस्था में लाया गया है और उसके परिजन कोई नहीं है। एक व्यक्ति लेके आया था, जब उसे नाम पता पूछा गया तो उसने नहीं बताया। अभी बाकी को हम लोग यहाँ रखवा लिया है और जब उसके नाम पता ज्ञात हो जाए तो उसको पोस्टमार्टम करवा लीजिए। इनकी घटनास्थल में मौत हुई थी अस्पताल में? घटनास्थल में मौत हो गई। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज। अपराध के खिलाफ जंग।